नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। आज इस वीडियो में जानेंगे फाइटर जेट F-35 का मलबा चीन और अमेरिका के लिए क्यों है बेहद खास। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 के मलबे को तलाशने में अमेरिका और चीन दोनों ही लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका नहीं चाहता है कि इसके मलबे के जरिए चीन उसकी अति उन्नत तकनीक का पता लगा सके। वहीं दूसरी ओर चीन किसी भी सूरत में न सिर्फ इसके मलबे बल्कि इसके ब्लैक बॉक्स को भी खोज लेना चाहता है, जो शायद अब तक समुद्र की गहराइयों में छिपा होगा। उसके जरिए चीन न सिर्फ अमेरिका के यहाँ पर मौजूदगी बल्कि से जुड़े दूसरी अंतिम अति महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल कर लेना चाहता है। जानकारी के मुताबिक F-35 जेट अमेरिका का बेहद एडवांस्ड जेट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी किया जाता है। ये दुश्मन के रडार से छिपा रह सकता है, जिसके चलते ये एक स्टिल्थ फाइटर जेट है। बता दें कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसको हर देश चाहता है और इस जेट का इस्तेमाल बेहद खास ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अमेरिका के लिए $100 करोड़ का ये जेट बेहद खास है, जिसकी यह भी वजह है कि ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जिसका इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस जेट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा किया गया है। इसके सबसे बड़ी खासियत इसका शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग है, जो इसके तीन बेहद खास वेरिएंट में से एक है। बता दें कि इसके जरिए ये कहीं भी उतर सकता है। इसके अलावा इस जेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी फंडिंग में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और नीदरलैंड भी शामिल है और इसे पाने के लिए कई देशों ने ऑर्डर भी किया है। पहली बार F-35 को जुलाई 2015 में US मरीन सर्विस में शामिल किया गया था, जिसके बाद 2016 में इसको US एयरफोर्स और वर्ष 2019 में इसको US में शामिल किया गया था। बता दें कि वर्ष 2018 में पहली बार इसका इस्तेमाल कॉम्बेट के लिए इजरायली फोर्स ने किया था। वहीं अमेरिका की योजना वर्ष 2044 तक इसके करीब 2456 जेट खरीदने की है। इससे अमेरिका की वायुसेना की ताकत और अधिक हो जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।